नमस्कार दोस्तों, 35 साल के इतिहास में 20 से ज्यादा बार बदली है टीम इंडिया की जर्सी। दोस्तों 1985 से 2020 तक कौन सी जर्सियां इंडियन टीम की रही है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप इंडियन टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया नए अवतार के साथ मैदान पर उतरी थी, क्योंकि विराट सेना कंगारुओं के खिलाफ नई जर्सी में नजर आई थी। हाल ही में टीम इंडिया को नया किट स्पॉन्सर मिला था। टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर अब ऑनलाइन गेम कंपनी MPL है, जिसका जर्सी पर लोगो भी था। भारतीय टीम की जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय टीम इसी रंग की जर्सी 80 के दशक में पहनी थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1985 से लेकर अब तक की यानी 35 साल के इतिहास में कब कब बदली टीम इंडिया ने अपनी जर्सी। पहली रंगीन जर्सी 1985 में आई थी। दरअसल जब क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तब सभी टीमें सफ़ेद रंग की जर्सी पहनकर ही मैदान पे उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस चलन को बदला और पहली बार रंगीन जर्सी पहनकर मैदान पर खेलने आई, और इसके बाद सभी टीमों ने अपनी अपनी जर्सी का रंग बदलना शुरू कर दिया। वह 1985 में पहली बार टीम इंडिया रंगीन जर्सी पहनकर क्रिकेट के मैदान में उतरी थी। उस समय उसका रंग नीला और पीला था। हालांकि उस समय जर्सी पर न तो देश और न ही किसी खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ था। दूसरी बार जर्सी 1991 और 92 में बदली गई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पर खिलाड़ियों के नाम और देश का नाम लिखा था। इसके बाद तीसरी बार 1992 में वर्ल्ड कप में बदली जर्सी। साल 1992 में पहली बार विश्व कप कलरफुल ड्रेस में खेला गया। इसके बाद 1992 के वर्ल्ड कप में भारतीय प्लेयर्स की जर्सी इंडिगो कलर की थी, जिस पर शोल्डर्स पर कलरफुल स्ट्राइप्स बनी हुई थी। इसके अलावा ड्रेस के आगे टीम का नाम और पीछे प्लेयर्स का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद चौथी बार 1994 में जर्सी बदली गई। इंग्लैंड के दौरे पर टीम इंडिया पीली और नीली जर्सी में दिखाई दी थी। इसी साल श्रीलंका में खेली गई सिंगर वर्ल्ड सीरीज में हल्के नीले रंग का आगमन फिर से हुआ। इस सीरीज में भारतीय टीम पीले और हल्के नीले रंग की ड्रेस में दिखाई दी थी। इसके बाद 1995 में जर्सी बदली गई। इस साल न्यूजीलैंड में खेली गई सेंचुरी सीरीज में पहली बार टीम की जर्सी पर भारतीय तिरंगे की झलक दिखाई दी थी। इसके बाद 1996 में जर्सी बदली। 1996 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पीले और आसमानी रंग के कॉम्बिनेशन में नजर आई थी। इस जर्सी में पीले रंग के कॉलर थे और सफ़ेद और पीले रंग की सीधी पट्टियां भी थी। इसके अलावा ड्रेस पर सतरंगी रंग के तीर जैसा बैंड प्रिंट थे, जो छाती से होते हुए नीचे बाह तक आते थे। इसके बाद 1997 में जर्सी बदली गई। श्रीलंका के दौरे पर पहली बार टीम इंडिया की जर्सी में गहरे रंगों की छाप दिखी। इसी जर्सी में रॉबिन सिंह ने अपने करियर की एकमात्र शतक जड़ा था। इसके बाद 1998 में जर्सी बदली। इस साल फिर टीम इंडिया की जर्सी में थोड़ा बदलाव हुआ। भारतीय टीम हल्के नीले रंग की टी शर्ट और डार्क ब्लू कलर के लोअर्स में दिखाई दी थी, और टी शर्ट की दोनों बाहों पर तिरंगे की छाप दिखाई दी थी। इसके बाद 1999 में वर्ल्ड कप में जर्सी बदली गई। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी पर BCCI के लोगों की छाप दिखी। साल 2000 और 2001 तक ये जर्सी भारतीय टीम की जर्सी बनी रही। इसी साल आसमानी स्काई ब्लू कलर को आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम की जर्सी का कलर चुन लिया गया था। इसके बाद 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी बदली गई। इस टूर्नामेंट में पहली बार सभी टीमें बिना किसी स्पॉन्सर के लोगों की जर्सी पहनकर खेलने उतरी थी। टीम इंडिया की जर्सी भी तब सबसे सिंपल लुक में दिखाई दी थी। इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में जर्सी बदली गई। साल 2003 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी बिल्कुल बदल गई, या ऐसा कहे कि स्टाइल और अच्छी हो गई थी। जर्सी के दोनों साइड काले रंग की मोटी पट्टियां बनाई गई थी। तिरंगे के ब्रश प्रिंट ने ड्रेस को जान डाल दी थी, और बिल्कुल बीच में लिखे इंडिया से यह जर्सी बेहद खास लग रही थी। इसके अलावा ट्रैक पैंट्स के दोनों तरफ छोटा सा भारतीय तिरंगा भी लगाया गया था। इसके बाद 2004 में जर्सी बदली गई। इस साल टीम इंडिया की जर्सी पर तिरंगे को पैंट ब्रश स्ट्रोक के साथ अब टीम के स्पॉन्सर सहारा का नाम भी लिखा जाने लगा था। इसके बाद 2007 वर्ल्ड कप में जर्सी बदली गई। साल 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी को पहले से भी ज़्यादा स्टाइलिश बनाने की कोशिश की गई थी। अब भारतीय तिरंगा बीच से हटाकर
थोड़ा ऊपर चला गया था। इसके साथ ही ड्रेस में से काली पट्टियां हटा दी गई थी। इंडिया को भी नए फॉन्ट में लिखा गया था। इसके बाद 2009 में जर्सी बदली गई। इस साल न्यूजीलैंड के दौरे पर जाने से पहले टीम इंडिया की जर्सी को बदला गया और तब इसमें हल्के नीले रंग की जगह गहरे नीले रंग को चुना गया था। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में जर्सी को बदला गया था। 2011 वर्ल्ड कप की जर्सी टीम इंडिया के लिए लकी साबित हुई। 28 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने नाम किया था। इस बार जर्सी का कलर डार्क और लाइट ब्लू के बीच में था और तिरंगा स्ट्राइप्स दोनों साइड थी। इसके अलावा इंडिया को ऑरेंज कलर से भी लिखा गया था। इसके बाद 2013 में जर्सी बदली गई। इस बार टीम के स्पॉन्सर नाइक ने टीम इंडिया के लिए जर्सी बनाई थी। इसके बाद 2014 में वर्ल्ड कप से पहले टीम का स्पॉन्सर स्टार इंडिया बना और टीम की जर्सी पर उसका लोगो दिखाई देने लगा था। इसके बाद 2015 वर्ल्ड कप में जर्सी बदली गई। 2015 के वर्ल्ड कप में फिर से जर्सी के बदलाव किया गया था। अब जर्सी पर कहीं भी तिरंगा नहीं था। प्लेन ब्लू टी शर्ट पर फ्रंट में स्पॉन्सर और टीम का नाम लिखा था। इसके अलावा ट्रैक पैंट्स की पॉकेट में ऑरेंज कलर भी लाइनिंग थी। इसी जर्सी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक को बोतलों से बनाया था। इसके बाद 2017 में जर्सी बदली गई। इस साल भारतीय टीम को ओप्पो के रूप में नया स्पॉन्सर मिला था। इस जर्सी के बीच में नाम लिखा था। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में जर्सी बदली गई। इस साल वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई थी। टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ परंपरागत नीली जर्सी की जगह नारंगी रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी थी। इसी साल सितंबर में टीम इंडिया की जर्सी पर ओप्पो की जगह बायजू ने ले लिया था। और इसके बाद साल 2020 में जर्सी बदली गई। उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया नई जर्सी में उतरी थी। हाल ही में टीम इंडिया को नया किट स्पॉन्सर मिला है। टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर और ऑनलाइन गेम कंपनी MPL है, जिसका जर्सी पर लोगो भी है। इससे पहले टीम इंडिया की किट स्पॉन्सर नाइकी थी। MPL हर मैच के लिए BCCI को 65 लाख रुपये देगी। भारतीय टीम की जर्सी का रंग नेवी ब्लू है। भारतीय टीम इसी रंग की जर्सी 80 के दशक में पहनी थी और 1992 वर्ल्ड कप में भी टीम इंडिया ने इसी तरह की जर्सी पहनी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहता हूँ।